बाबर, जहूर तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसने मुझे मेरे फोन पे कॉल किया कि तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है। क्या हो गया है, किसी से लड़कर आ रहे हो? एमल से, जानती है उसने आपके भाई को इनकार कर दिया। क्या क्या कह रहे हो? मैंने उससे शादी के लिए कहा, उसने मुझे इनकार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ बाजी, अगर उसने किसी और से शादी की ना, मैं जान से मार दूंगा उसको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? अगर एमल ने ये बात तैमूर को बता दी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? तुम मेरे लिए इतनी मुश्किलात क्यों बढ़ा रहे हो? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो लड़की मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है, और अब मेरी जिद और आना भी है। आपके इस घर का ख्याल नहीं होता ना मुझे? दो मिनट में मैं उससे इस इनकार का बदला ले लेता। तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या खाने चला गया है। तुम क्यों मेरे लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हो? तुम्हारी जरा सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देनी है। तुम तो कहीं पे रह लोगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? तो मेरा साथ दीजिए ना, खड़ी तमाशा क्यों देख रही है? बाजी देखें, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। आप खुद सोचें, आपको सारी जिंदगी की नौकरानी मिल जाएगी और मेरी अंधी कमाई लाइबा, मेरी भांजी, उसके दहेज का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। इससे बड़ा घर दूंगा मैं उसको। इस खानदान में कभी किसी ने इतना बड़ा घर किसी को नहीं दिया होगा। साथ गाड़ी भी दे दूंगा। जरा सोचें, तैमूर भाई ये सब काम नहीं करेंगे जो मैं करने को तैयार हूं। सोचिए। आयशा, ये मेरे भाई हैं अरसलान। सलाम अलैकुम। हम अंदर आ सकते हैं? जी, आ जाएं।